नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप News4nation देख रहे हैं। क्या लोजपा को बीजेपी ने 27 सीटें दे दी हैं? दरअसल एक लिस्ट बहुत तेजी से वायरल है और इस लिस्ट में 27 सीटों का जिक्र है जो कि बीजेपी की तरफ से लोजपा को ऑफर की गई हैं। कहा गया है कि अगर इस सीट पर लोजपा तैयार है तो 24 घंटे में इसकी जानकारी दे दे, वरना लोजपा अलग चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद है। 27 सीटें बिहार विधानसभा की हैं। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। ऐसे में 27 सीटें अगर लोजपा के पास जाती हैं तो बाकी बची सीटों पर जो है वो बराबर बराबर से या एक दो सीट आगे पीछे करके बीजेपी और जदयू चुनाव लड़ सकती है। जदयू अपने कोटे से मांझी को टिकट देगी तो बीजेपी अपने कोटे से आने वाले वक्त में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दूसरे किसी सहयोगी को भी 4-5 सीटें दे सकती है। अब लोजपा के लिए जो सीट जो बहुत तेज़ी से वायरल है उसमें कौन सी वो सीटें हैं, उसका नाम थोड़ा हम पढ़ के आपको बताते हैं। दरअसल एक लिस्ट है जो तेज़ी से वायरल है, इसमें कुल 27 विधानसभा की सीटों का नाम का जिक्र है। सबसे पहले है गोविंदगंज, फिर है बिस्पी, अररिया, अमौर, केवटी, गरखा, रजौली, लालगंज, तेघड़ा, अलूलिया, मनेर, डेहरी, ओबड़ा, कुटुम्बा, बेलागंज, चकाई, सिकंदरा, जमुई, कटोरिया। ये कुछ सीटें हैं जो कि लोजपा को जो तेज़ी से वायरल वाला लिस्ट है उसमें इन सीटों का नाम है। दरअसल चिराग पासवान अपनी कुछ बातों को लेकर के बहुत रिजिड हैं। रिजिड इन चीज़ों पर हैं कि उनका कहना है कि उनकी लोजपा को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। उनके कुल 6 सांसद हैं और औसत एक लोकसभा में करीब 6 विधानसभा पड़ता है, तो ऐसे में 6 को 6 से अगर गुना कर दें तो 36 सीटें कम से कम चाहिए होती हैं। लोजपा को उतनी ही सीटें चाहिए राज्य के अंदर में। आने वाले वक्त में एक सीट चाहिए उन्हें राज्यसभा का, और आने वाले वक्त में खबर ये भी है कि उन्हें 2 विधान परिषद की भी सीटें उच्च सदन के लिए चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक लिस्ट जो वायरल है उसमें 27 सीटों का जिक्र है और बताया जाता है कि इस सीट के बारे में बीजेपी की जो आंतरिक सर्वे टीम है जिसने सर्वे किया कि किस सीट पर लोजपा के प्रत्याशी जीत सकते हैं और किस सीट पर जीत जो है वो लगभग पक्की हो सकती है, उन सीटों को लोजपा के लिए रखा गया है। अब लोजपा से इस पर राय ली गई या नहीं ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लिस्ट तेजी से वायरल है। हालांकि इस वायरल लिस्ट पर हमने बीजेपी जदयू के साथ साथ लोजपा के भी कई नेताओं से संपर्क की करने की कोशिश की। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि ऐसी कोई लिस्ट जो है फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है कि 25 से 27 सीट ही हम अधिकतम जो है लोजपा को ऑफर कर सकते हैं। अब चिराग पासवान का रुख पहले से जो है वो एग्रेसिव रहा है, वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं लोजपा की पर, और शायद यही वजह है कि पिछले कई महीनों से चिराग पासवान जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते रहे, क्योंकि उनका ये कहना मानना है कि नीतीश कुमार ही उनकी राह में बड़ी अड़चन है। जीतनराम मांझी के आने के बाद से अड़चन थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि दलित की राजनीति जो है वो रामविलास पासवान करते रहे, चिराग पासवान उसी कुनबे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं और वो खुद भी दलित समाज से आते हैं, तो दलित वर्सेस दलित की इस लड़ाई में ईगो क्लैश कर रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं है? और शायद यही वजह है कि एनडीए में सब कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। अब 27 सीटों का राज क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये लिस्ट जो है वो वायरल है और वायरल लिस्ट में इन 27 सीटों का जिक्र है जिसमें जमुई के साथ साथ नालंदा, नवादा समेत बिहार के कई ज़िलों की सीटें जो चिन्हित की गई हैं वो हैं। लोजपा दबी जुबान से कहती नज़र आ रही है कि बीजेपी ने जो 27 सीटों की सूची उन्हें सौंपी है ये वो सीटें हैं जहां पर लोजपा कभी नहीं जीत सकती। लोजपा से कोई राय मशवरा नहीं किया गया और ना ही इंडिया के तीनों बड़े दल कभी साथ बैठे हैं, ऐसे में कोई भी फॉर्मूला इस तरह का मंजूर नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए News4nation। नमस्कार।